करोली बाबा की खुल गई पोल। ये बाबा नहीं, ये तो गुंडा निकला। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के वीडियो ने बाबा को मुसीबत में डाल दिया। जी हाँ, कानपुर के विदनू के करोली गांव में स्थित आश्रम में करोली सरकार यानी कि करोली बाबा भूत प्रेत निकालने का दावा करता है, लेकिन भूत प्रेत निकालने का दावा करने वाला ये बाबा अब अपने जाल में खुद ही फंस गया है। वजह है नोएडा का वो डॉक्टर जिसके साथ करोली बाबा के इशारों पर उसके समर्थकों ने मारपीट की, बल्कि डॉक्टर की बुरी हालत भी कर दी। इस मामले में बाबा पर FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन बाबा तो गजब की बात ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बाबा और डॉक्टर के बीच हुई गर्मा गर्मी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ही दावा ये भी किया गया कि बाबा इसी बात से नाराज हो गए और गुस्से में आ गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन ये बाबा तो कहते हैं कि वो किसी डॉक्टर को ना तो जानते हैं और ना ही उनके आश्रम में ऐसी कोई घटना घटी है। चलिए बाबा का बयान भी आपको सुना ही देते हैं। यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की। हमें नहीं पता किसने क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं अभी ना, अभी तो कौन आदमी है पता ही नहीं हमें। वाह बाबा, जिस शख्स की पिटाई हुई, जिस शख्स के साथ आपकी बहस हुई, उसे आप पहचानते नहीं, लेकिन बाबा जी आपका एक वीडियो ऐसा भी सामने आ गया है जिसने आपकी न सिर्फ पोल खोल कर रख दी है, बल्कि ये वीडियो में ये भी दिख रहा है कि करोली बाबा कैसे अपने समर्थकों को क्या इशारा कर रहे हैं और बाबा के इशारों पर ही समर्थकों ने डॉक्टर की यह हालत क्यों कर दी है। देखिए इस गुंडे बाबा का सच सामने लाने वाला ये वीडियो भी। बाबा इस वीडियो ने सच सामने ला दिया है, आप बाबा नहीं गुंडे हैं, क्योंकि संत और बाबा ऐसी नीच हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो से ये भी साफ हो गया है कि करोली आश्रम में ही डॉक्टर के साथ मारपीट हुई और वो भी बाबा के इशारों पर। बाबा की इस हरकत पर और इस वीडियो के सामने आने के बाद आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे बाबाओं ने सनातन धर्म को ना सिर्फ बदनाम कर दिया है और ऐसे बाबा लोगों को अंधविश्वास मिलाकर अपना मोटा पैसा कमा रहे हैं। और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।